दोस्तों, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल अंतरस टिप्स एंड ट्रिक। आप लोगों को मेरा वीडियोस कैसा लगा? आई होप सो मुझे अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड जो मेरे जो वीडियोस पे नए हैं सब्सक्राइबर, तो बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा दोस्तों। एंड पास ही में जो बेल आइकन है, घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को तक जल्द ही पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ मेरी इस छोटी सी फैमिली में मेरी जो सब्सक्राइबर्स है, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत कमेंट्स दे रहे हैं इंस्टा पे, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, मेरी इस छोटी सी फैमिली पे, मेरी इस छोटी सी फैमिली को आगे और बढ़ाइए दोस्तों। आप लोग ही बड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए हेयर पैक लेकर आई हूँ वो है ओनियन। ठीक है, ओनियन हेयर मास्क। तो ओनियन है, मैं ये प्लेन ओनियन बालों पे नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी। अभी मैं ओनियन के साथ मैं थ्री चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ओनियन एंड फ्लैक्सीड जेल एंड कोकोनट ऑयल। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लैक्सीड जेल बनाना दिखाया था, एंड उसके भी पहले और एक वीडियो मैंने फ्लैक्सीड जेल के ऊपर किया था। तो इस वीडियो में मैं फ्लैक्सीड जेल बनाना नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बना के स्टोर कर दिया था, फ्रीजर पे स्टोर कर दिया था। ठीक है, आप लोग भी एक साथ बना के थोड़ा स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक वीक तक चल जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा जो फ्लैक्सीड जेल है वो बना हुआ है। आप अगर बनाना फ्लैक्सीड जो जेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप बनाना देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज जो सिर्फ मैं तीन इंग्रेडिएंट्स लूँगी, एक है फ्लैक्सीड जेल, एक है कोकोनट ऑयल एंड लास्ट इज ओनियन। तो ओनियन में आपको पता है सल्फर होता है, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ओनियन बाल ग्रो करने में बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ओनियन लिया है, कटा हुआ ओनियन लिया है, देखिए यहाँ पे लिया है नारियल ऑयल यानी कोकोनट ऑयल। आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल होने से होगा, मैंने शालीमार का कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने फ्लैक्सीड जो जेल इंस्ट्रक्ट करके रखा है, फ्लैक्सीड जेल। ओके, ये इंग्रेडिएंट्स मुझे, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए। अभी मैं, हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है ऑनियन यानी प्याज। सभी के घरों में प्याज मौजूद रहता है। ठीक है, जब घर में खाने के लिए मसाला तैयार करने के लिए प्याज काटी जाती है, तब आंखों में आंसू आने लगते हैं दोस्तों। उस समय हम कोशिश करते हैं कि जल्द ही प्याज का काटने का काम खत्म हो जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। प्याज में सल्फर पाया जाता है, जो कि बालों को दोबारा उगाने में सहायक है और गिरते बालों को रोकने के लिए अच्छा होता है। अगर आपके सिर में रूसी भी है तो भी प्याज पीसकर उसका रस लगा लीजिए, इससे रूसी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्सीड जेल। यहाँ पे मैंने जेल प्रिपेयर कर लिया था, मैंने अपने पिछले वीडियो में जेल प्रिपेयर करना दिखाया था। अभी मैं पहले प्याज को ग्राइंडर पे अच्छी तरह से पीस लूँगी, उसका रस निकालूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे हमारा मास्क तैयार करना है। ओके, तो देखिए हम प्याज को अच्छी तरह से पीस के ग्राइंड करके हम एक स्ट्रेनर पे ले लिए हैं, और अच्छी तरह से इसे अब मैं स्ट्रेन करूँगी, अच्छी तरह से इसका रस निकालूँगी। देखिए, अच्छी तरह से रस निकालने के बाद फिर मैं तीनों चीज़ों को मिला के फिर मैं ग्राइंडर पे फिर एक फाइन पेस्ट बना लूँगी।
ये प्याज का रस बालों की रोम को पोषण देने में बहुत ही मदद करता है और सिर की त्वचा से खोया हुआ पोषण लौटाता है। प्याज का रस सल्फर से समृद्ध होता है जिससे बालों का टूटना और पतला होना कम हो जाता है। इससे बाल बहुत ग्रोथ होता है दोस्तों, इतना ग्रोथ होता है बालों में, बेबी बेबी हेयर छोटा छोटा भी निकलता है। आप ज़रूर ये फॉलो कीजिएगा, छोटा छोटा बेबी हेयर ज़रूर निकलेगा। अभी जो प्याज का रस हमने यहाँ पे ले लिया है, अभी देखिए इसमें मैं नारियल ऑयल है ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। मैं इसमें 3 स्पून नारियल ऑयल ऐड करने वाली हूँ। नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो आपके बालों को जू, डैंड्रफ और आदि संक्रमण से बचाता है। वही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों की सुंदरता बढ़ाते हैं। अभी मैं फ्लैक्सीड जेल हाथ से लूँगी, चम्मच से तो ये नहीं उठता, मैं हाथ से मेरी बालों की क्वांटिटी की लेंथ के हिसाब से मैं ये ले लूँगी, ठीक है। और फिर सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। फ्लैक्सीड का जो जेल का बेनिफिट है मैं पिछली वीडियो में तो मैं बता ही चुकी हूँ इसका गुण के बारे में। मैं इससे इसका सिर्फ बालों का पैक नहीं, ये जो आप सेवन भी करेंगे ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये अभी मैं ग्राइंड करके अभी आई हूँ, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है वाइट कलर का, बहुत अच्छा एक स्मूथ एक पेस्ट बना है। देखिए अभी मैं इसे अप्लाई करके मैं हर्बल शैम्पू से वॉश कर लूंगी। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगी मेरी और एक रेमेडी के साथ और एक अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, सेफ रहिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।